बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं इधर मैकेनिक के पास। मेरी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो तो ठीक किया था लेकिन दूसरा प्रॉब्लम उसमें है, तो उसकी वजह से अभी दोबारा उनको चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा जो है ना, तो इधर का जो ओनर है आसिफ भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये इनको अभी चेंज करेंगे, ये एक्सपर्ट है बीएमडब्ल्यू के, बीएमडब्ल्यू का डॉक्टर है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ ख़राब है इस मुल्क में, तो ये मसला है कि इधर लोग रिपेयर ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हम लोग जो है ना गरीब हैं, फरारी, और वो तो ले नहीं सकते रोल्स रॉयस, तो अपनी गाड़ियाँ ठीक कर करके तो गुजारा करते हैं। तो देखते हैं जब ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर, अभी इसमें तो तकरीबन पूरा दिन लगेगा। ये आपने वो गानों में देखा होगा, ये इज रॉक स्टार 2+, रॉक स्टार प्लस मैकेनिक। अभी आगे जाके तो उनको आपको उसका शॉप दिखाता हूँ। अगर जो लोग यूके में रहते हैं और लंदन में, उनको बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज में कोई प्रॉब्लम हो तो ये एतबार का बंदा है, वरना वैसे लोग पैसे ज़ाया हो जाते हैं और काम सही नहीं करते। हाँ, ये इनका शॉप है, पीछे जो है ना उसका जो है ना गैराज है, उससे वो जो है ना गाड़ियाँ ठीक करते हैं। हाँ, गाड़ी तो मैकेनिक के पास छोड़ दी है, वो तो इंशाल्लाह शाम से पहले हो जाएगी। अब हमारे पास वक्त है, थोड़ा थोड़ा धूप भी है, सर्दी है, लेकिन चलो इधर। ये है मेरा दोस्त का घर है, उनके पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है। तो इधर जो है ना करीब वो क्वीन, इधर की जो क्वीन है ना, उसके परदादा का एक छोटा स्मॉल महल है, वो आप लोगों को बाहर से दिखा देता हूँ जब वो निकल आएगा। ये वो महल है। अभी तो इधर इसमें सिर्फ फंक्शन वगैरह होते हैं, जो लोकल काउंसिल इसको इस्तेमाल करता है, किसी को शादी वगैरह किसी के लिए चाहिए तो काउंसिल को अप्लाई करते हैं, और फिर वो जो है ना ये इसका जो किराया देते हैं, और जो फंक्शन वगैरह लोग इसमें कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आप दिखा देता हूँ कि कब बना था और फिर रिनोवेट कब हुआ था। अल्लाह की शान है, वरना मैंने पहले आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि ये मुझे दे दे, क्योंकि बिल्कुल ही हमारे पठानों की तरह बन गए। घर अलग है, देखिए आज घर जो है ना उसकी दीवार है, वो मतलब वो घर की तरफ इस्तेमाल हो सकता है, और ये अदर बाहर जो है ये हुजरे की तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, वरना घर तो इतने छोटे छोटे होते हैं। इधर मामूली सा घर जो है ना, इधर अभी हम जो मैंने आपके दोस्त का घर दिखा दिया, पाकिस्तान में कम से कम जो है ना 10 करोड़ रुपए का, इधर 5 लाख 5.5 लाख पाउंड का है। जब घर सस्ते थे तो उस वक्त हम नहीं ले रहे थे, ये तकरीबन 80,000 और 70,000 के मिल रहे थे, अभी 5 लाख हैं। तो उधर 110 की ज़रब दे दो तो हाँ, इसको बोलते हैं ईस्ट ब्री मैनर हाउस। ये फैमिली इवेंट के लिए जो है ना इस्तेमाल हो सकता है अभी। हाँ, इधर तो एक तख्ती भी लगी थी, पता नहीं किधर है, जिस पर लिखा हुआ था कि ये कब बना। हाँ, वो आगे है, लेकिन अभी आगे जाना नहीं हो सकता, अभी बंद है। लेकिन जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इधर फिर प्रोग्राम कर लेंगे, अभी तो सब्सक्राइबर बहुत दूर है।
1 million से। इसमें थोड़ी सी रिनोवेशन जो हुई है ना, जो शीशे वीशे बदल गए हैं और थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन मतलब वो छत वगैरह या कि कुछ चीज़ जो ख़राब हो ये रिपेयर करते हैं, पूरा नहीं वो करते, बाकी उसी हालत में है जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसी हालत में है। ये देखिए ना, 450 साल पहले ये बना था, तो कंपैरिजन कर ले 450 साल पहले ये कंपैरिजन कर लो, फिर हम अपने इलाकों को कंपैरिजन करें कि हमारी क्या हालत थी उस ज़माने में। तो ये अंग्रेज़ जो है ना, ये अजल से है ना ये होशियार है। और ये दूसरे साइड से ये कोविड ख़त्म हो जाएगा तो ये खुल जाएगा, फिर जाएंगे इसके अंदर आपको मैं कर दूंगा। लेकिन ये इस तरफ और पीछे की तरफ जो है ना वो घर की तरफ इस्तेमाल हो सकते हैं, और आगे जो है ना बंदा उसको अपना हुजरा बना ले। लेकिन ये तो बेचते नहीं, अगर ये बेचेंगे भी तो कम से कम पाकिस्तान में ये हो दो अरब कद होगा, उससे भी ज़्यादा। इसका इसके अंदर वो भी है मेरे ख्याल में, पता नहीं लुक है उस चीज का, दरख्त भी है वो। हाँ, ठंड ज्यादा है, मेरा हाथ जो है ना वो ठंडा हो गया। चलो, मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैंने कहा चलो वैसे भी टाइम है तो ये सब कर लेते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है तो ये देखिए लोगों ने पहले से अपने आबा अजदाद को लगाया बाहर। हाँ, ये है और ये थोड़ा सा गार्डन ही है। हाँ जी, वो गाड़ी तो मैं लाया था परसों, वो ठीक हो गई थी, लेकिन गिराज चलाते हुए ना तो इसके टायर में एक कील है, आपको लोगों को नज़र नहीं आएगा इधर, लेकिन अभी मैं इसको निकालने लगा हुआ, अगर पंक्चर हो तो उसका पूरा सामान मेरे पास है। इधर ज़्यादातर जो है ना गाड़ी वो जो है ना लोग खुद रिपेयर करते हैं, तो इधर मेरे पास किट तो पड़ा हुआ था। हाँ, ये इसका किट है जिस पर हमने वो पंक्चर वगैरह लगाना है, लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरह है। हाँ जी, ये है, इसको मैंने निकालना है और इसको अल्लाह करे कि पंक्चर ना हो। हाँ जी, वो टायर तो अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चर नहीं था, वैसे मैंने कील निकाल दी, लेकिन उसे हवा भी चेक करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में आज के लिए मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।